खरगोन जिले के खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर फिर तेज रफ्तार जानलेवा साबित हुई है। यहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवार भाई बहन और रिश्तेदार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शहर के करीब 8 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर गुवाड़ी फाटे पर हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव जिला अस्पताल पहुंचाए, जहां पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि बाइक के सारे पार्ट्स बिखर गए। एसडीओपी रोहित लखारे ने बताया कि हादसा सोमवार मंगलवार रात को हुआ। तड़के 5 बजे सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। दुर्घटना में सुनील पिता सूरज चौहान, उसकी बहन कस्तूरी और रिश्तेदार दिलीप की मौत हुई है। सुनील अपनी बहन कस्तूरी के ससुराल हेला पड़ाव गया था। वहीं से बाइक पर बहन और रिश्तेदार दिलीप के साथ खामखेड़ा अपने पिता के घर जा रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। शुरुआती जांच में किसी वाहन से टक्कर का अनुमान है। फिलहाल जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये सुबह 100 डायल में किसी व्यक्ति ने एक फ़ोन लगा के सूचना दी थी कि बुआड़ी के पास में जो है एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो 100 डायल पहुंची थी घटनास्थल पर। उसके बाद में फिर थाना प्रभारी और हम लोग ने जाके घटनास्थल पर मुआयना किया। एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 व्हीलर वाहन से एक मृतक सुनील पिता सूरज चौहान अपनी बहन कलाबाई को लेने हेला पड़ावा गए थे और वहाँ से लौटकर खामखेड़ा जा रहे थे। रास्ते में इनका जो है किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें इनकी तीनों की मृत्यु हो गई है। अभी अज्ञात वाहन का पता नहीं चला है। हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह की हम पड़ताल कर रहे हैं, जल्दी इसमें खुलासा किया जाएगा। क्या लगता है सर, कार एक्सीडेंट हो सकता है? अभी प्राथमिक रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन संभावना ऐसी लग रही है कि कोई 4 व्हीलर वाहन ने टक्कर मारी है। क्या नाम लिखते थे? एसडीओपी रोहित कुमार लखारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।